Hello everyone, now let's see a small bit but an important one, adaptive radiation. It is given on NCERT on page number 132, 133 and 134. यहाँ पर इसका discussion दिया हुआ है तुमको, MCQ बनने के अच्छे चांस है क्योंकि इसके अंदर एक analytical point है जो मैं तुमको discussion के time पे बताऊंगा. पहले समझ के लेते हैं what is adaptive radiation. हमने पूरे चैप्टर में देखे कि कैसे अलग अलग प्रकार के स्पेशीज तैयार होते हैं, ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, लाइफ के स्पेशीज कैसे बने, डार्विन ने एक्सप्लेन किया, सब लोगों ने एक्सप्लेन किया अलग अलग तरीके से. अल्टीमेटली हमने हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल तक देखे, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूरा देख लिया अपन ने, सब कुछ हो गया. अब हमें यह देखना है कि एक एडिशनल बिट है एडाप्टिव रेडिएशन नाम का, जो डार्विन ने एक्चुअली ऑब्जर्व किया था, उसके बाद दूसरी जगह पर भी इसको थोड़ा अप्लाई करें तो दिखाई दिया एडाप्टिव रेडिएशन. अब इसमें दो शब्द है, देखो एडाप्टिव मतलब एडाप्टेशंस की वजह से, और रेडिएट होना मतलब रेडिएशन. यहाँ पे रेडिएशन अल्फा बीटा गामा वाला नहीं, रेडिएशन रेडिएट. सिंपली व्हाट इज दिस, आपको अगर डायग्राम देखे तो उस पे से जल्दी समझ में आ जाएगा. आपको जो डार्विन्स फिंचेस नाम के एक चीज बताया वाली है पेज नंबर 133 पर, ये फोटो है देखो, वहां पे ये चिड़िया जैसे दिखने वाले, कौए जैसे दिखने वाले, कुछ तो भी चार बर्ड्स आपको बताया वाला. चार बर्ड्स को जब ऑब्जर्व करेंगे सो दिस इज व्हाट दी वैरायटी ऑफ बीक्स, अगर आपने उनकी देखी, उनकी चोंच देखो चारों की. पहले वाले की जो बीक है इट इज वेरी वाइड, दूसरे वाले की बीक थोड़ी सी छोटी है, तीसरे वाले की और छोटी, और चौथे वाले की एकदम टोकदार, एकदम नैरो पॉइंटेड ऐसी बीक दिखाई दे रही है. प्लस उनके हेड के जो साइजेस है वो भी कम कम होते जा रहे हैं. यही डायग्राम को थोड़ा और इलस्ट्रेट करने के लिए एक कलरफुल डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ. ये डायग्राम देखो, इसमें आपको कितने सारे बर्ड्स दिख रहे, देखो डार्विन ने ये सारे जो बर्ड्स है इनको बोलते डार्विन्स फिंचेस, इनको बोलते डार्विन्स फिंचेस. डार्विन ऑब्जर्व्ड दीज फिंचेस ऑन वेरियस आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस. गैलापागोस आइलैंड याद है आपको, डार्विन वहीं पे गया था, वहीं पे से उसको बहुत सारी चीजें पता चली थी, अलग अलग एडाप्टिव अलग अलग जेनेटिक अपने वेरिएशन आने के, उसने नेचुरल सिलेक्शन वगैरह बातें जो किया था. गैलापागोस आइलैंड पर जाने के बाद उसको बहुत सारी चीजें दिखी थी, उनमें से उसको दिखे थे ये फिंचेस. ओके, ये जो फिंचेस है डार्विन्स फिंचेस नाम से फेमस है, ये जो चिड़िया जैसे दिखने वाले पक्षी है, अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग प्रकार के पक्षी उसको दिखे. लेकिन उसने एक ये डायग्राम में आप फोटो में देखो आपको दिख रहा है कि एक कॉमन एंसेस्टर है, और वो कॉमन एंसेस्टर से ही अलग अलग प्रकार के फिंचेस तैयार हुए हैं. कुछ ट्री पर रहने वाले ट्री डवेलिंग, कुछ है तो जमीन पर रहने वाले ग्राउंड पे रहने वाले ग्राउंड फिंचेस. ओके, इस तरीके से इवॉल्व हुए. कुछ है तो इंसेक्ट खाते थे, कुछ है तो छोटे छोटे सीड्स खाते थे, कुछ फ्रूट्स खाते थे. ओके, इस तरीके के एक ही कॉमन फिंच से ऐसे अलग अलग तरीके के पक्षी तैयार हुए, ऐसा डार्विन ने कंक्लूड किया. व्हाई दिस हैपेंड, अब देखो यहाँ पे, क्योंकि जो गैलापागोस आइलैंड्स है उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है. ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, एक रफ डायग्राम बता रहा मैं आपको, और यहाँ पे तुम्हारे गैलापागोस आइलैंड. अब आइलैंड है मतलब क्या, और जूम करें तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आइलैंड्स का ग्रुप है, वो उनके बीच में ओशन है. तो हुआ क्या, एक कोई तो भी अमेरिकन फिंच पहले रहा होगा, कोई तो भी एक पक्षी रहा होगा, वो शुरुआती जो फिंच था वो नॉर्मल हो सकता बड़ी चोंच वाला रहा होगा, फ्रूट ईटिंग रहा होगा, ठीक है, तोते के जैसे बड़े फ्रूट चोंच उसकी रही होंगी. और ये जो पक्षी था, यहां से कुछ पक्षी उड़ के ये वाले आइलैंड पे गए. मैं बड़े निकालता आइलैंड्स उनको जल्दी समझने के लिए. कुछ इधर के आइलैंड पे उड़ के गए, कुछ इधर के आइलैंड पे गए, कुछ इधर के आइलैंड पर गए, इस तरीके से वो फैल गए. और वहीं पे फिर उन्होंने वहीं पे रहना शुरू कर दिया, यहाँ के ट्रीज पर उन्होंने उनके घर बना के वहीं पे उनकी पॉपुलेशन एस्टेब्लिश कर दी. लेकिन हुआ क्या, ये पॉपुलेशन फिर से यहां पर नहीं आ पाई, वो आइसोलेट हो गए. कौन सा आइसोलेशन है ये, दो आइलैंड्स पे आइसोलेट हुआ है, तो दिस इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैरियर ओशन बिटवीन देम. तो ये आइसोलेट हो गए और यहाँ पर कभी लौट नहीं पाए. तो इसके से हुआ क्या, यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर ली. यहाँ वाले फिंचर्स ने इनको खुद के यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट कर ली. किसी को यहाँ पे छोटे साइज के सीड्स मिले, उनकी चोंच का साइज कम हो गया. किसी को यहाँ पे इंसेक्ट्स खाने को मिले, उनकी चोंच एकदम टोकदार हो गई. इंसेक्ट्स को टोच के मारने के लिए उनकी चोंच एकदम सुई के जैसी नोकदार हो गई, पॉइंटेड हो गई, शार्प हो गई, ठीक है. कुछ को फ्रूट्स मिले तो उनकी चोंच बड़ी रह गई वैसी. मतलब बीक्स का साइज किस हिसाब से चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रेजेंट देयर, दे अडॉप्टेड देयर साइजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑन दैट आइलैंड.
और इस तरीके से जब आइसोलेट हुए थे, वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हुए थे, तो उनमें अलग अलग प्रकार के स्पीशीज तैयार हुए, इधर अलग फिंचेस, इधर अलग फिंचेस, इधर है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, दे वेर ऑल फिंचेस, ऑल फिंचेस, चार प्रकार के जो फिंचेस है, दे ऑल डिराइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, दे ऑल डिराइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, उनका एक पूर्वज रहा होगा, उसकी बड़ी चोंच थी और उसी से ये सब अलग अलग प्रकार के बने होंगे। कलरफुल डायग्राम वापस से देखो, वही बताने वाला है क्या, व्हेन मेनी स्पीशीज अराइज फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू सर्टन ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस और द डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस, देन दैट काइंड ऑफ एडाप्टेशन इज नोन एज रेडिएशन, इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन। तुमको इसकी डेफिनेशन भी दिया ली वहीं पे, व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन है क्या डेफिनेशन, एनसीईआरटी में देखो डेफिनेशन भी दिया ली तुमको एनसीईआरटी में, व्हाट इज दैट डेफिनेशन, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन। इसका रीजन क्या है, एडाप्टेशन एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन दोनों चीजें एक साथ काम कर रही, पहले तो वो अलग अलग हो गए और फिर उसके बाद उनको वहां पे जो कंडीशन है उनके हिसाब से उन्होंने खुद को बदलाव कर लिए, चेंजेस कर लिए। ओके, सो डार्विन्स फिंचेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। सेकंड एग्जांपल इज द ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, डार्विन्स फिंचेस, डार्विन्स फिंचेस। अभी ये जो एक से बहुत सारे स्पेशीज बने थे, एक से ही बहुत सारे स्पेशीज बने थे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायवर्जेंट इवोल्यूशन। ये कौन सा इवोल्यूशन है, डायवर्जेंट इवोल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय डायवर्ज, डायवर्ज होना मतलब ब्रांचेस निकलना, तो एक स्पेशीज में से बहुत सारे स्पेशीज तैयार होना, दिस इज कॉल्ड डायवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर बहुत सारे एक स्पेशीज से ही एक प्रकार का स्पेशीज बन रहा तो उल्टा हो गया, तो क्या होगा, कॉन्वर्ज होके जुड़ के आके सब एक हो रहे, दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों में से अच्छा कौन सा है, डाइवर्ज होना अच्छा है कि कॉन्वर्ज होना अच्छा है इवोल्यूशन के हिसाब से, ऑब्वियसली दिस इज गुड इवोल्यूशन, क्योंकि एक से बहुत सारे प्रकार के स्पेशीज तैयार हुए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रकार के एक के तरफ ही जा रहे हैं, मतलब एक ही स्पेशीज बन रहा है अल्टीमेटली जाके, तो इसको ये गलत, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे तरीके का नहीं है, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन। सो एडाप्टिव रेडिएशन रिप्रेजेंट्स डायवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, लिख के रख लो, एडाप्टिव रेडिएशन रिप्रेजेंट्स डायवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज मेनी स्पीशीज अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस एंड अडाप्टेशन। ओके, तो ये होगा एक एग्जाम्पल तुम्हारा डार्विन्स फिंचेस का। दूसरा एग्जाम्पल देखे तो तुम्हारे को ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। इसकी भी डायग्राम देखो तुम्हारे को दिया है, मर्सुपियल रेडिएशन है क्या डायग्राम, पेज नंबर 133 और नेक्स्ट पेज नंबर 134 पे तुमको प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स जो दिया है तुम्हारे को 134 पे। अभी पहले मर्सुपियल्स जो है वो देखो क्या, व्हाट आर मर्सुपियल मैमल्स, मैमल्स आर एक्चुअली ऑफ थ्री टाइप्स, मर्सुपियल्स, योर एग लेइंग मैमल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स। मर्सुपियल मैमल क्या रहते हैं, जिनको थैली जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, वो थैली के अंदर उनको बच्चा देंगे, वो बच्चा आधा ग्रो वाला बच्चा बर्थ देंगे और बच्चे की बच्चे कुछ ग्रोथ वो थैली में होगी, जैसे कि कैंगारू सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कोई तो भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा इनका भी, और बाद में क्या होगा, उसने खुद को अलग अलग रूपों में ढाल लिया होगा, जैसे कि मैं डायग्राम फोटो को थोड़ा सा जूम करके बता रहा, सी दिस एंड नाउ रीड आउट दी नेम्स, क्या क्या नाम दिख रहे तुमको सर्कल में, एकदम ऊपर दिख रहा टस्मैन एंड वुल्फ, राइट, और चलो क्लॉकवाइज घूमते देखो, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मर्सुपियल रैट, कैंगारू, वोम्बैट, बैंडिकुट, कोआला, मर्सुपियल मोल और शुगर ग्लाइडर, है क्या ये सारे नाम, ऑल दीज आर व्हाट दी मर्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबके अंदर क्या है कॉमन बात, कि सबके अंदर थैली जैसा एक स्ट्रक्चर है, और इसकी वजह से क्या होता कि ये सब एक जैसे कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन सब अलग अलग कैसे हुए, ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर हैबिटेट, कुछ जमीन पर रहने लग गए, कुछ जंगल में कूद के चलने लग गए तो कैंगारू बन गए, कुछ ट्रीज पर रहने लग गए तो वहां से ट्रीज पे, एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप करने लग गए, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, उनका शुगर ग्लाइडर जो है देखो उसके अंदर, उसको ऐसा ग्लाइड करने के लिए स्किन का एक फोल्ड है हाथों से पैरों में दोनों लिम्स के बीच में, मगर सबको लिम्स तो है ना, सब में लिम्स तो है, मतलब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है कि वो कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से आए वाले हैं,
लेकिन अल्टीमेटली दूसरी बात ये हो रही कि उनमें अलग अलग डिफरेंसेस भी बहुत है, तो अलग अलग स्पीशीज बन गए वो। सिर्फ एक बात तुमको वहां पे ऑब्जर्व होंगी कि एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे स्पीशीज का बनना मतलब ही एडाप्टिव रेडिएशन। देखो बोला रेडिएशन नहीं कर रहे क्या, एक में से रेडिएशन जैसा हो रहा है क्या, रेडिएट हो रहे क्या कई सारे स्पीशीज, इसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। वेन मेनी स्पीशीज अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, अराइज हो रहे मतलब रेडिएट हो रहे, ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर ज्योग्राफिकल हैबिटेट्स adaptations, it is called adaptive radiation. When many species arise from a common ancestor due to differences in their geographical areas, habitats, it is called adaptive radiation. ऐसा ही तुमको अगले पेज पे दिखाया वाला है ऑस्ट्रेलियन मैमल्स का। प्लासेंटल मैमल्स की एक लिस्ट है और ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स की लिस्ट। अब ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स को जाने दो, अपन ने अभी देखे मर्सुपियल्स। मैमल्स में तुमको दिख रही मोल, एंटीटर, माउस, लेमुर, फ्लाइंग स्क्विरल और बॉबकैट और वुल्फ है क्या, ये सब एक के नीचे एक देखो वाला पूरे लिस्ट। अच्छा अब ये भी सब क्या हुए वाले, एक मैं पहले सिर्फ लेफ्ट साइड के प्लासेंटल मैमल्स की बात कर रहा, अभी मर्सुपियल्स को मत देखो। अगर तुमने इसको छुपा दिए, मैं सिर्फ प्लासेंटल मैमल्स को दिखा रहा हूं, अभी डायग्राम में दिख रहे मर्सुपियल्स तुम प्लासेंटल मैमल्स, अगर इनकी बात कर रहा मैं तो इनमें भी क्या हुआ है, ये सारे मैमल्स में सिमिलैरिटी क्या है, दे ऑल हैव मैमरी ग्लैंड्स प्लस दे प्रोड्यूस प्लासेंटा, अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा दैट नरिशेस द बेबी विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल। प्लासेंटा क्या रहता है अपन एचआर में देखेंगे, तो ये इसमें होता क्या प्लासेंटल मैमल्स में, दीज मैमल्स डेवलप देयर बेबीज कंप्लीटली विद इन द फीमेल्स बॉडी एंड अ फुल्ली ग्रोन बेबी इज गिवन बर्थ। पूरी तरह से ग्रो हुए वाले बेबी की बर्थ होती है, उसमें थैली जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता फीमेल को वापस से। जैसे कि अपनी बात कर लो, वी आर ऑल्सो प्लासेंटल मैमल्स, वी डू नॉट, ह्यूमन फीमेल डज नॉट गिव बर्थ टू अ हाफ ग्रोन बेबी। हाफ ग्रोन बेबी को ग्रो करने के लिए थैली लगेगी, जैसे कि कैंगारू में, दे आर कॉल्ड मर्सुपियल्स, वो जो थैली रहती है उसको मर्सुपिया, वहां से वर्ड आया वाला है मर्सुपियल्स। अपने में प्लासेंटा नाम का अंदर ही स्ट्रक्चर रहता है, वो प्लासेंटा से पूरा न्यूट्रिशन होता फीमेल बेबी फीमेल की बॉडी में और एक फुल्ली ग्रोन बेबी को बर्थ देती फीमेल। ओके तो अपन प्लासेंटल मैमल, कैंगारू, मर्सुपियल मैमल, और जो मैमल्स अंडे देते हैं उनको एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोनिमा बोलते हैं उनको, मोनोट्रिम्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अपन प्लासेंटल मैमल्स, कैंगारू, मर्सुपियल मैमल और अंडे देने वाले एग लेइंग मैमल्स। तो इवोल्यूशन कैसा वाला है, पहले अंडे देते थे, फिर बाद में आधे बच्चे की ग्रोथ होने लग गई और बाद में पूरे बच्चे की ग्रोथ बॉडी में होने लग गई। तो इस तरीके से इवोल्यूशन अगर देखे तो एग लेइंग मैमल्स से बने मर्सुपियल्स और मर्सुपियल्स से बने प्लासेंटल मैमल्स, ऐसा एक इवोल्यूशन का सिक्वेंस है। अपन क्या देख रहे हैं कि प्लासेंटल मैमल्स सब एक दूसरे के जैसे ही थे, अल्टीमेटली सब एक ही, कोई तो भी एंसेस्टर से इवॉल्व हुए वाले, कोई तो एक ऐसा एंसेस्टर बना होगा विच लेड विच गेव बर्थ टू अ कंप्लीटली ग्रोन बेबी, और उसी से फिर ये बाकी के मैमल्स बने होंगे, जो जो अपन ने अभी देखे लिस्ट में कौन से तुम्हारे मोल, एंटीटर, ये सब एक प्रकार के मैमल्स, ये सब पूरी तरह से ग्रो वाले बच्चों को बर्थ देते, तो इनका रेडिएशन हो रहा है एडाप्टिव रेडिएशन। वैसे अभी अपन ने मर्सुपियल्स का देखे, अब दूसरी फोटो देखो वर्टिकल, ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल, नंबैट, एंटीटर, मर्सुपियल माउस, स्पॉटेड कसकस, फ्लाइंग फैलेंजर मतलब ही शुगर ग्लाइडर का दूसरा नाम है, तस्मानियन टाइगर कैट और तस्मानियन वुल्फ। ओके राइट साइड के जो पिक से तुम्हारे को दिया जाए वो देखो, उनका भी सेम हुआ, उनमें सब में मर्सुपियल नाम का कोई तो एक एंसेस्टर रहा होगा और उनसे ये सब शुगर ग्लाइडर वगैरह बने जो अभी अपन ने। तो ये दोनों भी क्या एग्जांपल से एडाप्टिव रेडिएशन, लेकिन अब जो एनालिटिकल पॉइंट है वो एनालिटिकल पॉइंट क्या होगा, तुमको कंपैरिजन दिया ली दोनों की, किसकी किसकी कंपैरिजन है, प्लासेंटल मैमल्स और दूसरे इधर दिया है तुमको वर्टिकल दूसरे मर्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स। ओके तुमको इस तरीके से कंपैरिजन दिया गया प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स पर मर्सुपियल्स, क्या सिमिलरिटी दिख रही देखो बोला तुमको, डायग्राम्स में फोटोज देखो वापस से, मोल और मर्सुपियल मोल दिखने में सेम है, मोल और मर्सुपियल मोल दिखने में सेम है, लेकिन हुआ क्या, ये एक में प्लासेंटा नाम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ लेकिन दूसरे में प्लासेंटा नहीं बनता, उसमें थैली आ जाती। ओके अल्टीमेटली दिखने को तो सेम है, मतलब यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स डाइवर्ज हो रहे के कॉन्वर्ज हो रहे, कैरेक्टर्स आर कॉन्वर्जिंग, अपने को क्या चाहिए, कैरेक्टर्स डाइवर्ज होने चाहिए,
लेकिन जब मैं दो ग्रुप्स की बात करूंगा, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, तो जब इसमें अलग से एडेप्टिव रेडिएशन वर्क हुआ, इनका एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है वही आइलैंड पे, और इनका भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है वही आइलैंड पे। देखो ये ग्रुप का एडेप्टिव रेडिएशन हुआ ऐसा, ये भी ग्रुप का एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है इधर, ओके इस तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब इनके स्पीशीज इवॉल्व हो रहे थे तो ये मोल के जैसा इधर भी एक मोल तैयार हुआ, वो भी रहने के लिए जमीन में गड्ढा करके रहने लग गया। ठीक है, दूसरा दिया था तुमको एंट ईटर और नंबैट, इसमें भी एंट ईटर नाम का एक स्पेशीज इवॉल्व हुआ, इसमें भी एंट ईटर के जैसा नंबैट नाम का स्पेशीज, लेकिन फर्क क्या था, ये प्लासेंटल मैमल थे, ये मर्सुपियल्स थे, इनको थैली थी, इनको थैली नहीं थी, इनका बच्चा पूरी तरह से ग्रोथ, मतलब इनका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कैरेक्टर सेम होते जा रहे और क्या हो रहा है, एक जैसे स्पेशीज बनते जा रहे। जब एक जैसे स्पेशीज बनते तो वो कौन सा इवोल्यूशन होता, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जब एक ही स्पेशीज से बहुत सारे बनते तो वो डायवर्जेंट, ये डायवर्जेंट है, ये भी डायवर्जेंट है, लेकिन एनालिटिकल पॉइंट ये है, जब मैं दोनों ग्रुप्स को साथ में स्टडी करूंगा तो मुझे उनके कैरेक्टर सेम होते वाले, एक जैसे होते वाले दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन जब दिखाई देगा तो वो कॉन्वर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन रहेगा। सी दिस लाइन इन एनसीईआरटी, में कौन सी लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं रीड करके बता रहा हूँ, पेज नंबर 133 पर एंडिंग डायग्राम, फोटोज के ऊपर जो डायग्राम है टैस्मैन एंड वुल्फ के ऊपर, वो दो लाइंस, व्हेन एंडिंग में दिया है, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, दिस इज डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन, इट अकर्ड इन अ सेम ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया दैट इज ऑस्ट्रेलिया, प्रेजेंटिंग देयर डिफरेंट हैबिटेट्स, वन कैन कॉल दिस एज कॉन्वर्जेंट। क्यों कॉन्वर्जेंट है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर अल्टीमेटली सिमिलर होते जा रहे हैं। तुम देख लो लास्ट में, और तुमको लेमूर में भी सिमिलैरिटी, कसकस जैसा है, फ्लाइंग स्क्विरल अपना इधर है तो इनका फ्लाइंग फैलेंजर है, शुगर ग्लाइडर है, इनकी बॉब कैट है तो इनकी टाइगर कैट है, इनका नॉर्मल वुल्फ है तो इनका टैस्मैनियन वुल्फ है। हो रहा क्या यहाँ पे, भले ये अलग से इवॉल्व है, ये अलग से इवॉल्व है, लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज रहने की वजह से क्या हो गया, इट बिकम्स अ टाइप ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, सो वन कैन कॉल दिस एज अ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। प्लासेंटल मैमल्स, दिस इज डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन, दिस इज डिफरेंट। अच्छा, सिर्फ इसमें पूछे तो ये डायवर्जेंट रेडिएशन है, सिर्फ इसमें पूछे तो ये डायवर्जेंट रेडिएशन, क्योंकि डायवर्ज हो रहे एक में से, लेकिन जब दोनों को साथ में स्टडी करेंगे तो वो कौन सा इवोल्यूशन हो जाएगा, व्हेन बोथ दी ग्रुप्स आर स्टडीड एट द सेम टाइम इट बिकम्स कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इट बिकम्स कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आया क्या एडेप्टिव रेडिएशन, when many species arise from a same species common ancestor due to geographical differences, habitats, differences in habitats, and that is known as adaptive radiation. Examples are Darwin's finches evolved by adaptive radiation, Australian marsupials also evolved by adaptive radiation, mammals also evolved by adaptive radiation, but due to similarities this represents convergent evolution, whereas individual, अगर अकेले की बात करूंगा मैं, सो इंडिविजुअल रेडिएशंस विल बी रिप्रेजेंटिंग डायवर्जेंट इवोल्यूशन, डायवर्ज हो रहे इसमें से, एक में से बहुत सारे निकल रहे तो डायवर्ज हो रहे, लेकिन जब दो एक साथ मैं स्टडी करूंगा रेडिएशंस को तो वो कॉन्वर्ज होता दिखाई देगा, सो देयरफॉर वन कैन कॉल इट एज कॉन्वर्ज। ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है कि व्हेन टू एडेप्टिव रेडिएशंस हैव बीन ऑकर्ड इन द सेम एरिया, सो इट बिकम्स कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि भागे एरिया सेम है, एडाप्टेशन सेम आएंगे, फिर उनमें एक जैसे एडाप्टेशन आएंगे ना एरिया सेम होने की वजह से, तो फिर इनका चाहे इनका मोल हो के इनका मोल हो, खोदने का तो है उसको, तो उसके हाथ एक जैसे बनेंगे दोनों के, फर्क क्या रहेगा, ये स्पेशीज प्लासेंटल रह जाएगा, ये स्पेशीज मर्सुपियल रह जाएगा, एक फैलेंजर है, फ्लाइंग स्क्विरल है, उसको उड़ने का एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाने, उड़ना मतलब एक्चुअली उड़ते नहीं, बस वो जंप करते टाइम हवा की मदद लेते हैं, सो दैट दे कैन इजीली रीच द नेक्स्ट ट्री, तो वो स्क्विरल इधर उड़ के उधर जाएगी, वही जंगल में एक इधर मर्सुपियल भी है शुगर ग्लाइडर नाम का, उसको इधर से उधर जाने का है, उसकी भी उसी तरह से स्किन तैयार होंगी, फिर इसका भी स्किन आने वाला है, मतलब हुआ क्या, ये अलग अलग है लेकिन सिमिलैरिटी आने की वजह से कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, समझ में। तो दिस इज अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन, एक कंपैरिजन वाला बीट बस ये याद रखने का है, और तुम्हारा फिर ये बीट भी खत्म हुआ यहाँ पे, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे, थैंक यू।